टुनटुनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसकी सौतेली बेटी थी। अरे करमजली, इतनी देर लगती है पानी भरने में, अभी कपड़े भी धोने हैं और बर्तन भी मांजने हैं, वो सब कौन करेगा? माँ मैं अभी सारे काम कर देती हूँ। तभी टुनी का बेटा वहाँ आता है। माँ बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ मेरे लाल तो उठ गया, मैं अभी तेरे लिए खाना बनवाती हूँ। ओ टुनटुनी महारानी, जाके पहले मेरे बेटे के लिए खाना बना दे। माँ मैं आज खाने में फल खाऊंगा। अच्छा मेरा राजा बेटा आज फल खाएगा, तो मैं फल ही खिलाऊंगी। टुनटुनी पहले जा नीली नदी से शरीफा तोड़कर लेकर आ, मेरे बेटे का मन आज फल खाने को है, तो आज घर में शरीफा फल खाएंगे। हाँ माँ अभी जाती हूँ। टुनटुनी शरीफा फल तोड़ने के लिए नदी पार जाती है और वहाँ बैठ कर रोने लगती है। माँ तूने मुझे कैसी जिंदगी दे दी, मुझे भी अपने साथ ले गई होती माँ। मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत काम कराती है और मुझे खाने को भी नहीं देती। माँ कहाँ हो तुम? माँ मेरे सामने एक बार आओ। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती माँ, तुम्हें मेरे दर्द दिखाई नहीं देता? तभी उस नदी पार पानी पीने के लिए एक बुलबुल आती है। जब वो टुनटुनी को रोते हुए देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ है बेटा, तू इस नदी पर बैठकर क्यों रो रही है? मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर चली गई और मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत काम करवाती है। लेकिन तेरे पापा वो तेरी माँ को कुछ नहीं कहते? पापा को कुछ नहीं पता कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर कितना अत्याचार करती है। मैं जब भी उनसे कुछ कहने जाती हूँ मेरी माँ मुझे पीटने लगती है। बेटा तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने पास रखूंगी और तुझे एक माँ का प्यार दूंगी, तू चलेगी ना मेरे साथ? वो बुलबुल टुनटुनी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। काफी देर तक जब टुनटुनी घर नहीं लौटती, पता नहीं ये लड़की कहाँ जाकर मर गई, अभी तक घर नहीं आई। लगता है शरीफा तोड़ते समय नदी में डूबकर मर गई होगी। अच्छा ही हुआ इस लड़की से मेरा पीछा छूटा, बंटी पूछेगा तो मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। शाम को जब बंटी घर आता है तो टुनी रोना शुरू कर देती है। बंटी पता नहीं टुनटुनी कहाँ चली गई, बहुत देर से घर में नहीं आई। कई दिन से कह रही थी कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी, लगता है वो उसी की खोज में चली गई। अरे पागल तूने मुझे चिट्ठियाँ लिखकर बताया क्यों नहीं, पता नहीं मेरे बेटे किस हाल में होगी, मैं अभी उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। बंटी को टुनटुनी नहीं मिलती और वो खाली हाथ घर लौट आती है। समय तेजी से गुजरने लगता है और टुनटुनी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। अरे माँ तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम कौन हो बेटा, मुझे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम मुझे कैसे जानती हो? माँ मैं तुम्हारी बेटी टुनटुनी हूँ। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद अचानक मेरी आँखों की रोशनी चली गई और मैं अंधी हो गई बेटा, और एक तूफान में बंटी और पप्पू की मौत भी हो गई। मैं बर्बाद हो गई बेटा, बर्बाद हो गई। माँ तुम चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे ही साथ रहोगी। फिर टुनटुनी और टुनी साथ साथ रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टुनी चिड़िया और उसकी सास बबली कबूतरी रहा करती थी। बबली कबूतरी अपनी बहू टुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार किया करती थी। टुनी बहू तू यहाँ बैठी क्या खा रही है? मैं भूख से मरी जा रही हूँ, लेकिन तुझे मेरी परवाह कहाँ? माँ जी अभी तो आप ही ने कहा था कि आप अभी नहीं खाएंगी। डायन तूने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया, मैंने कब तुझे कहा था कि मैं नहीं खाऊंगी, तू मुझे भूखा मारना चाहती है? नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इसी तरह बबली कबूतरी छोटी छोटी बात पर टुनी चिड़िया को कुछ न कुछ सुना दिया करती थी। एक दिन टुनी चिड़िया आकर बबली कबूतरी को बताती है, माँ जी मैं माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ तू माँ बनने वाली है, ऐसे आकर बता रही है जैसे तू अमीर बनने वाली है, सभी चिड़िया माँ बनती है, इसमें नई बात कौन सी है? जाकर अब काम कर, तेरे मायके से नौकरानी नहीं आने वाली। ऐसे ही 7 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनी चिड़िया कपड़े धोने के बाद गीले कपड़े सुखाने के लिए अपनी ननन लाडो को बुलाती है। लाडू, ओ लाडू जरा जल्दी यहाँ आना। क्या है भाभी? लाडू इन कपड़ों को ले जा और बाहर डाली पर सुखा दे।
टूनी बहू तू ये क्या कर रही है? अब मेरी बेटी कपड़े सुखाएगी, तू माँ बन रही है तो क्या सभी लोग तेरे आगे पीछे काम करने के लिए घूमेंगे? लाडो कपड़े नहीं सुखाएगी, तू खुद जाकर और कपड़े सुखा दे। लेकिन माँ जी ये बाल्टी बहुत भारी है, डॉक्टर ने मुझे भारी चीजें उठाने से मना किया है। तू जाती है या मैं मोंटू बेटे को बुलाऊं? दो थप्पड़ तुझे लगाएगा तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं माँ जी, आप मोंटू चिड़ी को मत बुलाइए, मैं खुद ही कपड़े सुखा लेती हूँ। टूनी कपड़ों से भरी बाल्टी उठाकर बाहर डाली पर जाने लगती है, तभी उसके पंख लड़खड़ाने लगते हैं और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। करमजली एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती, पहले से घर का खर्च कम था जो इसने डॉक्टर का भी खर्चा बढ़ा दिया। बबली कबूतरी टूनी चिड़िया को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर मेरी बहू को जल्दी होश में ला दो। माँ जी आपकी बहू की हालत बहुत सीरियस है, आखिर ये बेहोश कैसे हो गई? क्या बताऊँ डॉक्टर, खड़ी थी तभी उसको चक्कर आ गए और गिर गई। डॉक्टर इसे जल्दी होश में ला दो, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। अरे आप कैसी सास है, आपकी बहू जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आपको अपने घर के काम की पड़ी है। अब आपकी बहू को इस हॉस्पिटल में 2 दिन तक रखा जाएगा। डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी बहू को बस होश में ला दो, मैं उसे जल्दी घर लेकर जाऊंगी। ठीक है, थोड़ी देर आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तभी डॉक्टर उसे वहाँ बिठा कर पुलिस को फोन कर देती है। इंस्पेक्टर कौवे, आप इस जालिम कबूतरी को गिरफ्तार कर लो, इसने अपनी बहू पर बहुत सारे जुल्म किए हैं। अभी अभी इसकी बहू ने होश में आने के बाद मुझे सारी बात बताई है। पुलिस बबली कबूतरी को गिरफ्तार करके ले जाती है और इस तरह टूनी चिड़िया को अपनी अत्याचारी कबूतरी सास से छुटकारा मिल जाता है। कुछ दिन जेल काटने के बाद कबूतरी घर आती है और अपने पुराने रूप में आ जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे तू घोंसले में कैसे बैठी है, चल निकल घोंसले से और चल घर के काम कर। माँ जी मैं अभी चल रही हूँ, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा नहीं तो और क्या करूँ तुझ पर, मेरे बेटे के तो कर्म ही फूट गए। मैंने तो सोचा था तेरा बाप गाड़ी देगा, सोने की सिकड़ी देगा, लेकिन उसने तो कुछ नहीं दिया। तू अपने मायके से तो कुछ नहीं लाई और यहाँ महारानी बनकर बैठी रहेगी। माँ जी आपको ये सारी बातें मेरी मम्मी पापा से कहनी चाहिए थी। हरामखोर, मुझे जेल भिजवा कर तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ और तू अब जुबान भी चलाने लगी। माँ जी मुझे मत मारिए, मेरी क्या गलती है? एक दिन फिर बबली कबूतरी टूनी को परेशान करने के लिए उसके कमरे में जाती है। क्योरी महारानी टूनी कैसे आराम फरमा रही है, चल जाकर उपले बना। माँ जी मैं दूसरे काम कर लूँगी, मैंने कभी उपले नहीं बनाए। अच्छा तो चल मैं तुझे सिखा दूँगी, अगर तुझे उपले नहीं बनाने थे तो तेरे माँ बाप ने इस घर में शादी क्यों की? चल अब चल कर उपले बना, 4 दिन से उपले नहीं बने। माँ जी मुझसे उपले नहीं बनेंगे, आने दीजिए इनको, मैं इनसे कह दूंगी मुझे उपले नहीं बनाने हैं। ले वो आ गया, अब बोल देखती हूँ वो तेरी बात मानता है या मेरी बात मानता है। माँ तुम दोनों में बहस कैसे हो रही है? तू अपनी पत्नी से ही पूछ ले। क्या हुआ जी? देखिए ना जी, माँ जी मुझे उपले बनाने को कह रही है, मैं उपले नहीं बनाऊंगी, मैंने कभी अपनी जिंदगी में उपले नहीं बनाए, आपने मुझसे शादी के उपले बनाने को की थी। क्या कहा तूने? तू उपले नहीं बनाएगी, अब तो घर के सारे काम तुझे ही करने हैं, तू दहेज लेकर नहीं आई है। आपने दहेज के लिए मेरे पापा से क्यों नहीं कहा? कहा तो था, तेरे बाप को कंकाल निकला, खाली हाथ अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया, मेरे सारे शौक धरे के धरे रह गए। मैंने तो अपने दोस्तों से भी कह दिया था, लेकिन तेरे कंकाल बाप ने मेरे दोस्तों के सामने कोई इज्जत नहीं रखी। तो जल्दी से माँ जो कहती है वो कर, नहीं तो तेरे भाई को बुलाकर तुझे तेरे घर भेज दूंगा। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। गलत गलत तो अब मैं करूंगी। अरे मोंटू चल फोन लगा अब इसके भाई को और उसे साफ साफ कह दे अभी आए और अपनी बहन को ले जाए, मुझे ऐसी कंगाल बहू नहीं चाहिए। मोंटू चुड़ा टूनी के भाई को फोन लगाने लग जाता है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत लगाइए फोन मेरे भाई को, अभी अभी तो उसने मेरी शादी की है, मेरे मायके वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके मेरी शादी की, लेकिन आप लोगों को इससे क्या, लड़की वाले बिक जाए लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को तो बस दहेज से मतलब है। मैं कहता हूँ तू अब चुप हो जा। क्या साले साहब, मैं कब से तुझे फोन लगा रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? तू जल्द से जल्द यहाँ और अपनी बहन को लेता जा।
ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी, ऐसी क्या बात हो गई? पहले मेरी बात मेरी बहन से करा। मोंटू चिड़ा टूनी चिड़िया को फोन देता है। भैया तू जल्दी मुझे लेने आ जा, मेरे ससुराल वाले दहेज के लालची हैं, ये सुबह से मुझे मार पीट रहे हैं, मैं यहाँ और कुछ दिन रही तो मैं मर जाऊंगी। टुन्नू चिड़ा अपनी बहन की बातें सुनकर हवाओं को चीरता हुआ वहाँ आता है। भैया तू मुझे यहाँ से ले चल, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। क्यों जी, आप लोग मेरी बहन को क्यों मार रहे हैं? क्यों जीजा जी, इसी दिन के लिए मैंने अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में दिया था, अब तो मैं बहन को एक मिनट भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ ले जा तू अपनी बहन को, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मैं तो अपनी बहन को लेता ही जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ आपके बेटे की दूसरी शादी कैसे होती है, मैं आप लोगों का जीना हराम कर दूंगा। अरे तू तो मेरे ही घर में खड़ा होकर मुझे ही धमकी दे रहा है, अपनी बहन को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पहचानेंगे। भैया इन लोगों से बहस मत करो, जल्दी चलो यहाँ से, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। टूनी चुड़िया अपने भाई टुन्नू के साथ मायके चली जाती है। तो ये थी आज की कहानी, आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टूनी चिड़िया कैसे बेहोश हो जाती है? कमेंट करके जरूर बताएं। लक्की विनर्स के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टूनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी, किराया न दे पाने के कारण उसका मकान मालिक उसे घर से बाहर निकाल देता है। तब टूनी एक छोटा सा घोंसला डालकर अपनी बेटी के साथ उसमें रहने लगती है। एक दिन, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, सुबह से तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। बेटा घर में खाने को एक भी दाना नहीं है, मैं तुझे कहाँ से खाना खिलाऊं? तू रुक मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। टूनी अपनी पड़ोसन के घर जाती है। मेरी बेटी भूखी है बहन, कुछ खाने को हो तो दे दो। अरे तुम यहाँ भीख मांगने आई हो? मुझे तुम्हें भीख देने के लिए कुछ भी नहीं है, भरी जवानी में अपने पति को खा गई, तुम्हारी तो परछाई भी किसी पर पड़नी नहीं चाहिए, जल्दी हटो मेरे दरवाजे से। बहन मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, जल्दी हटो मेरे दरवाजे से, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बहन लाओ मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, पर मुझे खाने को कुछ दे दो। देखो मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम यहाँ से जाओ, तुम हटती क्यों नहीं? नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी। नहीं नहीं बहन, पुलिस नहीं बुलाना, मैं जा रही हूँ। टूनी दुखी मन से वापस घर लौट आती है। बेटा इस जमाने में गरीबों की मदद कोई नहीं करता, चल मैं तुझे लेकर जंगल में चलती हूँ, वहीं कुछ मिल जाएगा तो तुझे खिला दूंगी, अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो आज तेरी हालत ऐसी ना होती। टूनी टुनटुनी को लेकर रोती हुई जंगल में जाती है, वहाँ एक साधु ध्यान लगाए हुए बैठा था। महात्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत दुखी भी हूँ, घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है, मेरा घोंसला भी टूटा फूटा है, महात्मा जी आप मेरी मदद करिए। साधु अपनी आंखें खोलता है। बेटी अब तुम्हारे तो किधर कट गए, मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है, ये लो जादुई मिट्टी, इससे जाकर एक मिट्टी का घर बनाओ, घर बनते ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, और ये लो फल, इसे तुम और तुम्हारी बेटी खा लो, इसे खाकर इसका बीज अपने आंगन में लगा देना, ये जादुई फल है, ये सालों साल तुम्हारे पेड़ पर लगे रहेंगे, फिर उसे बेचकर तुम खुशी खुशी अपना गुजारा कर सकती हो। टूनी फल और मिट्टी लेकर अपनी बेटी के साथ अपने टूटे फूटे घोंसले के पास आती है और वहीं साधु की दी हुई मिट्टी से घर बनाती है। मम्मी ये घर कितना सुंदर है। हाँ बेटा अब हम लोग इसी घर में रहेंगे। फिर दोनों फल खाती हैं और उसका बीज नीचे आंगन में लगा देती है। अगले दिन जब टूनी सोकर उठती है तो वो देखती है। अरे मैंने जो कल बीज लगाया था उससे विशाल पेड़ उग गया है और इस पर बहुत सारे फल भी लग चुके हैं, मैं अभी इन फलों को तोड़कर जंगल जाकर बेचूंगी। टूनी फलों को तोड़कर जंगल में बेचने लगती है। अब
टूनी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। माँ, जंगल में अगर वो साधु नहीं मिलते तो आज ये मिट्टी का घर भी नहीं होता। हाँ बेटा, एक दिन फिर से हम जंगल में चलेंगे और उस साधु का धन्यवाद करेंगे। चल टुनटुन, ये बातें करना छोड़ और चल के खाना खा ले। हाँ माँ, अभी आई। इस तरह टुनटुनी और टूनी खुशी खुशी मिट्टी के घर में अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, कल के लकी विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, साधु टूनी को क्या देता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लकी विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।